2 वर्ष की कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 22 मई को शुरू की गई थी, जिसके चलते अब गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की हुई मीटिंग में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री जोशी मठ के पूर्व मैनेजर बूटा सिंह श्री हेमकुंड साहिब में नतमस्तक होने के लिए यहां पहुंचे, जिन्हें नतमस्तक होने के बाद श्री हेमकुंड साहिब के मैनेजर गुरनाम सिंह की ओर से सिरोपा डालकर सम्मानित भी किया गया। आप देख सकते हैं कि यात्रा के आखिरी पड़ाव में भी संगते श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। जो छोटे बच्चे पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें कांडी में बैठाकर ले जाया जाता है, और जो बुजुर्ग पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें पालकी में बैठाकर यात्रा करवा रहे हैं, जिसे डांडी भी कहा जाता है। वहीं इस मौके पर पाठी सिखों की ओर से गुरुद्वारा साहिब में गुरबाणी का पाठ भी किया जा रहा है। श्री हेमकुंड साहिब के आसपास आसमान को छूती पहाड़ियों में से बहते झरनों का दिलकश नजारा भी आप देख सकते हैं। तो वहीं इस मौके पर श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के वाइस प्रधान नरेंद्र सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा समाप्त की जा रही है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 22 मई को खोले गए। ईश्वर की अपार कृपा है कि इस वर्ष अभी तक 2,15,000 श्रद्धालु इस पवित्र स्थान के दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सभी यात्रियों से सविनय निवेदन है कि 10 अक्टूबर से पहले श्री हेमकुंड साहिब के दर्शनार्थ अपना कार्यक्रम